एक सिग्नल ड्रॉप हो चुका है। ये काफी ज्यादा शॉकिंग वाला रिजल्ट था। ऑलराइट गाइस, तो अगेन मैंने कोकोनट डोंगल को बाय कर लिया है, तो इसके पीछे काफी ज्यादा बड़ा रीजन है कि क्यों मैंने कोकोनट डोंगल को अगेन बाय करा है। तो जो लास्ट हमने कंपैरिजन करा था कोकोनट वर्सेस एंट्रिकी डोंगल का, स्पीड कंपैरिजन करा था आउटडोर में इंडोर में, तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव कोकोनट डोंगल ने नेटवर्क प्रोवाइड करा था। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि कोकोनट डोंगल ने हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नेटवर्क कवरेज एरिया प्रोवाइड कर दिया था। तो इसीलिए मैं देखना चाहता था कि जो कोकोनट डोंगल के हर एक जितने भी पीस हम बाय करते हैं सब में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नेटवर्क देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ वो स्पेशली कोई पर्टिकुलर पीस था जिसमें इतना ज़्यादा बढ़िया हमें कोकोनट डोंगल ने नेटवर्क एरिया प्रोवाइड कर दिया। तो इसलिए मैंने अगेन कोकोनट डोंगल को बाय करा है। तो आज अगेन हम कोकोनट डोंगल का नेटवर्क कवरेज एरिया का टेस्ट करने जा रहे हैं, देखेंगे कोकोनट डोंगल हमें कितना ज़्यादा नेटवर्क प्रोवाइड करती है, क्या उतना ही नेटवर्क हमें मिलता है जो लास्ट वीडियो में हमने कंपैरिजन करा था, या फिर आज की वीडियो में इस डोंगल के साथ हमें कुछ और रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो यही आज वीडियो होने वाली है। तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूं एज ए प्रूफ कि जो मैंने डोंगल लास्ट वीडियो में यूज़ करी थी उसका जो SSID था वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था इस डोंगल के कंपैरिजन के साथ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो SSID है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो कोकोनट डोंगल की नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में ऐड कर दूंगा, जाकर आप चेक कर सकते हो। तो चलो अब चलते हैं आउटडोर में, तो करते हैं स्पीड टेस्ट शुरू, तो फिर देखेंगे कि कोकोनट डोंगल ने जो हमें परफॉर्मेंस प्रोवाइड करी थी लास्ट वीडियो में क्या इस वीडियो में प्रोवाइड कर सकती है या नहीं। ऑलरेडी गाइस, तो अभी हम सिमिलर वही प्लेस पर आ चुके हैं, यहाँ पर मैंने लास्ट कोकोनट डोंगल का कंपैरिजन करा था, तो आज भी इसी प्लेस पर हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैं सिमिलर वही सिम कार्ड को यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में यूज़ किया था, तो उससे आपको ये समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेगी कि जो हमने लास्ट वीडियो में कोकोनट डोंगल यूज़ करी थी उसका अगर कंपैरिजन इस कोकोनट डोंगल के साथ करेंगे हमें क्या स्पीड मिलेगी, क्या नेटवर्क देखने के लिए मिलेगा। तो स्पीड टेस्ट शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि हमारी बैक साइड में जो फसल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। तो लास्ट वीडियो में जो हमने कंपैरिजन करा था कोकोनट वर्सेस एंट्रिकी डोंगल का, तो उसमें ये फसल काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। तो अभी हो सकता है कि जो स्पीड कंपैरिजन करने में ये फसल हमारे बीच थोड़ी बहुत रुकावट पैदा कर सकती है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो, तो देखते हैं कि हमें इसका रिज़ल्ट क्या देखने के लिए मिलता है। आई होप कि ये जो हमारे पीछे फसल है हमारी वीडियो में प्रॉब्लम ना खड़ी करे। तो चलो शुरू करते हैं स्पीड टेस्ट। तो यहाँ पर मैं कोकोनट डोंगल के साथ कनेक्ट हो चुका हूँ, तो करते हैं स्पीड टेस्ट शुरू, हियर वी गो। तो अभी हम चले जाते हैं इस डोंगल से दूर, तो फिर देखते हैं हमें क्या स्पीड देखने के लिए मिलेगी। तो उसके लिए हमें फसल से गुजर के जाना पड़ेगा, तो यहाँ से हम चले जाते हैं दूर इससे। ये रही हमारी डोंगल। आई होप कि आपको दूर जाने के बाद ये डोंगल विजिबल होती रहे। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस फसल के ऊपर से मैं आपको दिखा पाऊँ कि ये डोंगल कहाँ पर रखी हुई है मैंने। तो गाइस, ऑलमोस्ट मैंने 100 फीट की दूरी यहाँ पर तय कर ली है। तो मेरे मोबाइल फ़ोन में आप देख सकते हो कि एक सिग्नल ड्रॉप हो चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग वाला रिजल्ट था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो कोकोनट डोंगल इतनी जल्दी एक सिग्नल को ड्रॉप कर देगी मेरे मोबाइल फ़ोन में। तो अभी और दूर चले जाते हैं। तो गाइस, अगर यहाँ पर मैं आपको डोंगल को दिखाने की कोशिश करूँ, वो रही हमारी वाइट वाली डोंगल। तो अगर डिस्टेंस की बात करें ऑलमोस्ट मैंने 200-250 फीट दूरी तय कर ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो सिग्नल ड्रॉप हो चुके हैं मेरी कोकोनट डोंगल में। ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग वाला रिजल्ट था। हो सकता है ये जो फसल बीच में आ रही है उसके कारण मुझे इतनी जल्दी जो सिग्नल ड्रॉप होते हुए नज़र आ रहे हैं मेरे स्मार्टफोन में। तो ऑलमोस्ट हम सिमिलर प्लेस पर आ चुके हैं, यहाँ पर हमें हुवावी की डोंगल में एंड एंटर की डोंगल में दो दो सिग्नल देखने के लिए मिल रहे थे।
तो मे बी यहाँ पर जो फसल होने के कारण जो इतना बेकार रिजल्ट हमें कोकोनट डोंगल में देखने के लिए मिल रहा है, अदरवाइज़ कोकोनट डोंगल में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो लास्ट वीडियो में हमें नेटवर्क मिल रहा था। पर इस वीडियो में अगर हमने कंपैरिजन करा न्यू डोंगल को बाय करके तो काफ़ी ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पर। तो अगर आज की वीडियो की बात करें तो हमें काफ़ी ज़्यादा बैड परफॉर्मेंस कोकोनट डोंगल की देखने के लिए मिली है। तो वो वाला प्लेस था जहाँ पर हमें कोकोनट डोंगल ने दो सिग्नल प्रोवाइड करे थे। तो अभी तो वहाँ पर ट्रैक्टर चल रहे हैं, जो गोल्डन कलर की आपने लास्ट वीडियो में देखी थी वहाँ पर फसल वो भी कट चुकी है। तो वो वाला प्लेस है यहाँ पर कोकोनट डोंगल ने हमें दो सिग्नल प्रोवाइड कर दिए थे। तो अगर आज की वीडियो की बात करें तो ऑलमोस्ट हाफ परफॉर्मेंस इस डोंगल ने हमें प्रोवाइड करके दी है। तो अभी हम इस डोंगल को फसल के उस साइड से इस साइड पर लेके आ चुके हैं, तो अभी चले जाते हैं इससे दूर। तो फिर देखते हैं कि हमें जो कोकोनट डोंगल में इतना नेटवर्क कम देखने के लिए मिला, क्या वो फसल के कारण था या फिर कोकोनट डोंगल में हमें इतना ही नेटवर्क देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपनी कोकोनट डोंगल को अपने नोट 9 से कनेक्ट कर लिया है, तो चले जाते हैं हम इससे दूर। ऑलरेडी गाइस हम काफ़ी ज़्यादा दूरी पर आ चुके हैं। अभी कोकोनट डोंगल आप देख सकते हो काफ़ी दूरी पर है, ऑलमोस्ट 400-500 फीट की दूरी मैं तय कर चुका हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो मुझे तीन नेटवर्क देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इससे हमें ये मालूम चल जाता है कि फसल के कारण हमें नेटवर्क थोड़ा सा कम देखने के लिए मिला था, बट कोकोनट डोंगल में अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नेटवर्क देखने के लिए मिल जाता है। तो अगर मैं आपको प्लेस दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ पर जो गोल्डन कलर की फसल थी अभी वो काट दी गई है। तो वही डिस्टेंस है जहाँ पर मैं कोकोनट डोंगल के दो नेटवर्क पकड़ रहा था, तो इसी प्लेस पर हमें तीन नेटवर्क देखने के लिए मिल जाते हैं। जो हमारे पास फसल का रास्ता था वो हमने इससे डिटेक्ट कर दिया, कम कर दिया, इसी कारण हमें तीन नेटवर्क इस प्लेस पर देखने के लिए मिल रहे हैं। अदरवाइज़ जो कोकोनट डोंगल है हमें यहाँ पर दो सिग्नल प्रोवाइड करती। तो जो मेरे दिल में डाउट था, अगर आपके दिल में भी डाउट था, आई होप कि अभी क्लियर हो चुका होगा। जो कोकोनट डोंगल है हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नेटवर्क कवरेज एरिया प्रोवाइड कर देता है, चाहे वो आउटडोर में हो चाहे इनडोर में हो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नेटवर्क हमें इस डोंगल में देखने के लिए मिल जाता है। तो जो स्पीड है वो हमें इतनी ज़्यादा बढ़िया देखने के लिए नहीं मिलती जितनी बढ़िया एंड्री की डोंगल में या फिर हुआवी की डोंगल में देखने के लिए मिल जाती है। तो नेटवर्क परफॉर्मेंस के मुकाबले ये डोंगल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम करती है। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरे दिल में जो डाउट था कि कोकोनट की डोंगल इतना ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि इसका प्राइस भी इतना ज़्यादा नहीं है, जो इसकी परफॉर्मेंस है वो भी इतना ज़्यादा खास नहीं है, स्पीड काफ़ी ज़्यादा लो इसमें देखने के लिए मिलती है। तो इसके मुकाबले में अगर देखें जो हुआवी की डोंगल है ऑलमोस्ट इसके डबल प्राइस पर हमें मिलती है, जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बिल्ड क्वालिटी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है। तो हुआवी की डोंगल ने भी मुझे इतना ज़्यादा बढ़िया नेटवर्क कवरेज एरिया प्रोवाइड नहीं करा जितना इस कोकोनट डोंगल ने प्रोवाइड करा। तो इसलिए मैंने इस डोंगल को दोबारा परचेज़ किया, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि कोकोनट की डोंगल क्या सचमुच इतना ज़्यादा बढ़िया नेटवर्क प्रोवाइड करती है। हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर कोकोनट डोंगल की देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम नेटवर्क कवरेज एरिया की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस हमें कोकोनट डोंगल में देखने के लिए मिल जाती है, बट अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड इतनी ज़्यादा अच्छी दूर जाके नहीं मिलती। तो अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं करी तो ऊपर आई बटन में ऐड कर दूंगा, जाके आप चेक कर सकते हो। उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कंपैरिजन कर रखा है इसका कोकोनट डोंगल का हुआवी की डोंगल के साथ, कोकोनट डोंगल का एंट्री की डोंगल के साथ, फुल मैंने कंपैरिजन कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं करी तो ऊपर मैं आई बटन में ऐड कर दूंगा, जाके चेक कर सकते हो। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में सारे पॉइंट कवर कर दिए होंगे, बट स्टिल अगर आपके दिल में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा। तो बस यही थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो जहाँ पुराने हो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।